भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच अहमदाबाद में होने जा रहा है, जिसको लेकर देहरादून की जनता में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के मद्देनजर कई लोगों ने अपने विचार रखे हैं। कोई भारतीय क्रिकेट टीम की प्रशंसा करता नजर आ रहा है तो किसी ने भारत को कंगारू से सचेत रहने की सलाह भी दी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। एक्चुअली अच्छी टीम तो ऑस्ट्रेलिया की है, अच्छे प्लेयर हैं उनके पास, लेकिन हमारे पास भी जो जिस तरीके से इंडिया परफॉर्म कर रही है उनके पास अच्छा बैटिंग ऑर्डर है, अच्छे प्लेयर्स हैं। और अभी न्यूज़ आई है कि एक दो प्लेयर आउट किए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि शुभम गिल को आउट नहीं करना चाहिए, अच्छा प्लेयर है। आई होप इंडिया के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज इंडिया का जो है पिच होम ग्राउंड है, और सेकेंडली इंडिया अच्छे फॉर्म में जा रही है, बॉलिंग बैटिंग सब कुछ। बट इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया स्टार्टिंग में थोड़ा फॉर्म में नहीं थी, बट कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, मैं 60-40 का चांस कहूँगा। 60 देखिए, इस समय जिस हिसाब से इंडिया की जो परफॉर्मेंस आ रही है क्रिकेट टीम की, तो मतलब ब्राइट चांसेस इंडिया के ही, और ऑब्वियसली बात है हम इंडियन है तो इंडिया के लिए चिल करेंगे, है ना। और परफॉर्मेंस वाइज भी इंडिया का हर प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, हर प्लेयर अपना 100% एफर्ट दे रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड कप मुकाबला इंडिया ने ही जाना है, क्योंकि वी आर इंडियंस, वी आर प्राउड टू बी एन इंडियंस। और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंडिया, पर इंडिया ने ही जीतना है, कोई इसमें डाउट नहीं है। जीतेगी इंडिया और रन भी अच्छे मारेगी, स्कोर मारेगी 350-400 के आसपास।